नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। बिक्रमगंज रोहतास स्थानीय शहर के साई बीए कॉलेज में शुक्रवार को मोटिवेशनल स्पीच कार्यक्रम का आयोजन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्लानिंग चंद्रकांत कुमार अनिल उर्फ सी के अनिल के नेतृत्व में आयोजित की गई। जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता साई बीए कॉलेज के सचिव धनंजय सिंह व संचालन उद्घोषक रवि रंजन ने की। कार्य मुख्य के मुख्य अतिथि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्लानिंग सी के अनिल के 24 दिसंबर आगमन को लेकर बिक्रमगंज अनुमंडल के स्थानीय शहर के लोगों में काफी उत्सुकता देखी गई, जिनके स्वागत समारोह को लेकर पूरे कॉलेज के कर्मी छात्राएं सहित आम लोगों ने उनके ऊपर फूलों की बारिश करते हुए स्वागत गीत के साथ छात्राओं ने उनका स्वागत किया। जबकि साई बीएड कॉलेज के सचिव धनंजय सिंह ने मुख्य अतिथि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्लानिंग सी के अनिल को पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र, मोमेंटो व बुके देकर सम्मानित किया। साथ ही साथ मुख्य अतिथि के साथ आए हुए गणमान्य लोगों को भी सचिव द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम मुख्य अतिथि सहित आईपीएस रमन चौधरी, पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कमलकांत उपाध्याय, द डीपीएस स्कूल के निदेशक अखिलेश सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर मोटिवेशनल स्पीच कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके उपरांत मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए लक्ष्य को हासिल करने के लिए 4 मूल मंत्र दिए। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बताया कि आज विक्रमगंज वैसा ही है जैसा आप छोड़ कर गए, विकास कोई खास नहीं हुआ है जी। तो आपके मन में इसके प्रति कुछ है क्या, इस भविष्य में विक्रमगंज के लिए कुछ चलता है? मेरा ये विश्वास है कि विक्रमगंज इतना आगे बढ़ने का इसमें क्षमता है या यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। हर समय सरकार के तरफ देखना ज़रूरी नहीं है। जितनी राइस मिल्स हमारे पास हैं, कुछ नोखा में हैं, उसी तरह के राइस मिल्स अगर यहाँ भी हम लोग बैठा दें। फूड प्रोसेसिंग एक मेरे हिसाब से, चूँकि मैं कृषि सचिव भी था, फूड प्रोसेसिंग के अनुसार मेरे ख्याल से विक्रमगंज बहुत ही बड़ा एक सेंटर बन सकता है और वेस्टर्न ईस्टर्न यूपी की तरह वेस्टर्न बिहार भी आगे डेवलप कर सकता है। सर, आप योजना विभाग में परामर्श समिति में 28 वर्ष बाद विक्रमगंज में आपके आगमन हुए हैं, कोई आपके मन में विक्रमगंज के लिए कोई योजनाएं हैं क्या? मेरा हमेशा ये है कि इसका, इस जगह का विकास हो। जगह के विकास का बेसिकली 3 स्वरूप है। एक कि इसका जो म्युनिसिपल एरिया है वो स्वच्छ हो, साफ हो, अच्छी बड़ी बड़ी इमारतें हों, अच्छे स्कूल, बिल्डिंग, कॉलेज सब पूरे म्युनिसिपल लिमिट्स में हो। दूसरा है कि एक कल्चरल सेंटर, एक जैसे चूँकि यहाँ की लड़कियाँ इतनी अच्छी गा रही थी, मुझे लगा कि एक ऑडिटोरियम होना चाहिए जिसमें हर सप्ताह कलाकार आकर जमा होकर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते रहे और यहाँ के म्यूजिशियन को भी एक बढ़ावा मिले और बच्चे बच्चियों को भी। एक सर, आप बिहार सरकार के वरिष्ठ आईएएस, एक मेरे मन में प्रश्न ये है, बिहार में आपराधिक घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, आपराधिक घटनाओं को रोका नहीं जा सकता लेकिन कम किया जा सकता है, तो आपके द्वारा सरकार को क्या सुझाव दिया जाएगा कम करने के लिए? ये एक नीतिगत प्रश्न है ये, और मैं सरकार के साथ अंदर हूँ तो मैं सरकार को सुझाव क्या दे सकता हूँ, ये उचित प्रश्न नहीं है मेरे लिए उत्तर देने का जी। तो सर, विक्रमगंज के लिए जो भी आपके मन में है सर बता दीजिए कि आप मैंने कैसा विक्रमगंज देखना चाहते हैं। मुझे विक्रमगंज बस से बनारस, बस से विक्रमगंज, मुझे लगता है कि ये बनारस बन सकता है हमारा शहर, इतना अच्छा है, इतनी कैपेसिटी है, यहाँ सोन बहता है, ज़्यादा दूर नहीं है, इतना नहर का इतना पानी है, इतना अच्छा यहाँ की मिट्टी है, यहाँ का राइस सबसे अच्छा है, यहाँ का जो पैदावार है मक्का है वो सब बहुत अच्छा है। मेरा एक ज़रूर सुझाव रहेगा कि जितने रोड्स हैं उसके बगल में हम लोग प्लांटेशन करें ताकि वायु प्रदूषण कम हो। तो एक है ईच वन प्लांट वन, ईच वन टीच वन, हम लोग सबको, हर आदमी को जो पढ़े लिखे हैं उनको एक कार्य या प्रण लेना चाहिए कि मैं एक और आदमी को पढ़ाऊंगा, एक और बच्चों को पढ़ाऊंगा, और दूसरा कि एक पेड़ ज़रूर लगाऊंगा हर साल, ईच वन प्लांट वन, ईच वन टीच वन, मेरे सहला। और हमारा शहर ऐसे ही सुंदर है यार, थोड़ा सा साफ कर दोगे बहुत आगे निकल जाएगा। हमें दिल्ली बॉम्बे बनने की कोई आवश्यकता नहीं है और आकांक्षा भी नहीं है।
बिस्कोमान अब एक कोऑपरेटिव अलग संस्था का पार्ट है और वो मल्टी स्टेट हो गया, वो अब राज्य के अंदर भी नहीं रहा। इसीलिए मेरे दायरे के वो बाहर है, लेकिन मैं ज़रूर ये कोऑपरेटिव सहकारिता सचिव को ये बताऊंगा कि यहाँ का कुछ हो सकता है। थैंक यू श्रीमान। आपको याद है क्या? हाँ, वहाँ लकड़ी